इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स देखेंगे जहाँ पे थोड़ा जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है मुझे लगता है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर कुछ चीज़ें होती है समाज में तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट इज़ अपडेट नर्सिंग गाइडलाइंस। इसमें मुझे एक सिंपल चीज़ कहनी है कि सपोज़ जो नर्सेस वगैरह रहते हैं, जो भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करते हैं, उनको जो लैब कोट या एप्रन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो इन लोगों को वहीं पे रखने चाहिए जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, क्योंकि ये लोग जब यही एप्रॉन्स लैब कोट पहन के समाज में आते हैं तो ये कंटेमिनेशन लेके आते हैं कहीं ना कहीं, और इस वजह से, और हमें पता नहीं पर्टिकुलरली, ये सपोज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बट एट द सेम टाइम ये जब समाज में आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा कंटेमिनेशन लेके आ सकते हैं। सो इसके लिए एक थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडलाइंस या थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। सेकेंड, चीन में दंपतियों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति। ये न्यूज़ है 1 जून 2021 की। सो हाल ही में जारी किए गए चीन की जनगणना आंकड़ों से पता चला है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर 1950 के दशक के बाद सबसे धीमी है और कम होती जा रही है। सो 1980 में चीन द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की गई। उस समय चीन की जनसंख्या लगभग एक अरब के करीब पहुँच रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की चिंता थी कि देश की बढ़ती आबादी आर्थिक प्रगति प्रगति को बाधित करेगी। सो देयरफॉर इन 2016 चीन द्वारा पहली बार अपनी विवादास्पद एक बच्चा नीति, दैट इज़ वन चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करके दो बच्चों की सीमा लगा दी थी। इसकी वजह से चीन में वृद्धों की संख्या में अन्य देशों की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे देश की विकास क्षमता प्रभावित हुई। हालांकि वन चाइल्ड पॉलिसी में छूट देने से देश में युवा लोगों के अनुपात में कुछ सुधार तो हुआ, किंतु इस नीति परिवर्तन के लिए आसन्न जनसांख्यिकीय संकट को टालने हेतु अपर्याप्त माना गया। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रजनन अधिकारों को ढील देने से आगामी अवांछित जनसांख्यिकीय बदलाव से बचने में बहुत मदद नहीं मिल सकती है। सो आप सोचो कि इसमें कैसे, क्या हिस्टोरिक इवेंट्स में क्या हुआ और आज की डेट में अभी क्या हो रहा है कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन।